तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी जा रहे हैं हम एक शॉप पे जो कि राइडिंग गियर्स की शॉप है। वहाँ पे आपको बाइक के सारे राइडिंग गियर्स मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारा सामान मिलेगा। वो शॉप है साहिबाबाद में, घर से 8-9 किलोमीटर्स के अराउंड है। और वापसी में आके अगर टाइम मिला हमें तो अपनी बाइक के कल जो पेंडिंग वर्क्स रह गए थे ना, ब्रेक के और बाइक ल्यूब के, तो वो भी सब फिनिश करा लेंगे। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए एल्बो और नी गार्ड लेने, क्योंकि अगर आप राइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एल्बो और नी गार्ड। कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। राइडिंग ग्लव्स तो मेरे पे है, हालांकि मैंने अभी पहने नहीं है, बट ग्लव्स हैं मेरे पे। तो एल्बो और नी गार्ड चाहिए हमें, क्योंकि हम जाएंगे संडे को एक राइड पे ग्रुप के साथ, तो इसीलिए एल्बो और नी गार्ड बहुत कंपलसरी है भाई ग्रुप में राइड करने के लिए। तो पहले तो पेट्रोल पड़वाना है, क्योंकि बाइक अभी आ गई थी रिजर्व में। बुलेट में यही पंगा है भाई, इसमें फ्यूल मीटर नहीं है, बैटरी इंडिकेटर है, बैटरी चार्ज है नहीं, बट फ्यूल मीटर नहीं है। अब जो BS6 में नई क्लासिक वगैरह आ रही है इसमें तो आता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे डिस्प्ले आता है, डिजिटल वाला मीटर आता है ना उसमें, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन और ट्रिप मीटर के लिए, तो उसमें तो शो करता है। बट ये तो BS3 मॉडल है, BS4 भी नहीं है हालाँकि, ये तो इसमें नहीं आता। हाँ तो अब BS4 तक नहीं आता था भाई, ये तब भी BS3 है, BS4 में भी नहीं आता था फ्यूल मीटर। तो इसमें तो पहले पेट्रोल पड़वा लेते हैं यहाँ से, फिर जाएंगे शॉप पे। You don't understand the pain of brains. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my head. So just पीछे राजेंद्र प्लेस वाला ये मेट्रो स्टेशन क्रॉस किया है मैंने, मेजर मोहित करके कुछ था मेट्रो स्टेशन का नाम में, तो वो क्रॉस किया है। अब हमें पिलर नंबर 202 के सामने ही शॉप है, मुझे इतना याद है क्योंकि मैं एक बार पहले आ चुका हूँ। ये पिलर नंबर 214, ये है, ये रही गुप्ता पार्ट्स, गुप्ता ऑटो पार्ट्स शॉप है ये, यहीं पर रुकना है हमें। तो गाइस ये भैया है जिनके हम शॉप पे आए थे, और राइडिंग गियर से रिलेटेड सारी मतलब शॉप है। बाइक के फॉग लाइट्स भी आपको मिल जाएंगी, HJJ की ओरिजिनल, राइडिंग जैकेट्स, राइनॉक्स और भी ब्रांड्स की। तो मैंने भैया से एल्बो और नी गार्ड लिए हैं, तो भैया अभी शॉप का इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टोर का नाम है वो है गुप्ता बाइकिंग गियर्स, और हमारा पड़ता है राजबाग मेट्रो के पास साहिबाबाद में, पिलर नंबर 202। हमारे पास बेसिकली राइडिंग गियर्स से रिलेटेड सब कुछ आपके पास मिल जाएगा, लेके राइडिंग जैकेट से लेके नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स और आपके पैंट्स, ग्लव्स,
जितनी भी है हमारे पास सारी ऑथराइज डीलरशिप हैं, जैसे कि जो हमारी कंपनी है राइनॉक्स हो गया, रैबिट हो गया थोड़ा प्रीमियम में, या फिर बीबीजी, स्काला, जितनी भी कंपनीज है ऑलमोस्ट सारी हमारे पास मिल जाएंगी। इसके साथ साथ एक्सेसरीज भी हमारे पास मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी बाइक से रिलेटेड या अपने राइडिंग गियर से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भैया का जो नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है बेसिकली वो सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और भैया के पास ये हेलमेट्स भी हैं अच्छे वाला ब्रांडेड हेलमेट्स, एग्जॉर वगैरह के हेलमेट्स भी आपको मिल जाएंगे, SMK एग्जॉर सारे ब्रांड्स के एग्जॉर भी मिल जाएंगे, वो गोडाउन पे रखे रहते हैं इधर, हम नॉर्मल थोड़ा हाँ ये कम रेंज के लगा बेसिक हेलमेट्स हैं, मतलब सारे अच्छे और बेसिक काफ़ी ग्राफिक्स वाले हेलमेट्स भी हैं यहाँ पे। और बाकी ये यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स और राइडिंग जैकेट, बाकी राइडिंग से रिलेटेड सारा ही सामान भैया के शॉप पे मिल जाता है। तो आप लोग भैया के शॉप पे जो विजिट कीजिएगा, एड्रेस तो भैया ने बता दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और गूगल मैप्स की लोकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू भैया। तो गाइस बाहर से मैं भैया की शॉप दिखा देता हूँ आपको। ये बोर्ड है गुप्ता ऑटो पार्ट्स, ये शॉप है। तो यहाँ पर बाइक की साइड में सर्विस भी होती है और इधर भैया का ये राइडिंग एसेसरीज का शोरूम टाइप का है छोटा सा। बाकी एक ये 390 भी आई हुई थी यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐसा बोर्ड रोड पे लगा हुआ राजबाग वाला। तो यहाँ से आप भैया की शॉप को लोकेट कर सकते हो। अभी चलते हैं घर जल्दी से यार, एक तो यहाँ पे ये सारे बंद हो रखे हैं। अभी मेरे ख्याल से कावड़ की वजह से ये सारे डाइवर्जन्स बंद कर दिए हैं, तो आगे से डाइवर्जन लेके आना पड़ेगा काफ़ी। Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Guys, ek baar bahar ka weather check out karo bhai, itna hi badhiya weather ho raha hai. अभी तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था एकदम, बहुत ज़्यादा ही क्लाउडी हो गया था, बारिश भी हो रही है। मतलब नीचे देखो आप, पूरा पानी भर गया है रोड पे भी, इधर भी, इधर भी सब पानी भर गया है भाई। ऐसे मौसम में ना राइड करने को मिल जाए, मज़ा आ जाए। बट ये है कि अभी बाहर जाएंगे हम तो भीग जाएंगे, कोई बात नहीं, बट हमारा गोप्रो भीग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, आगे के सारे ब्लॉग ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गोप्रो में हमने लगा रखा है मीडिया मोड, तो GoPro वाटरप्रूफ नहीं रहा। और अगर मीडियम मोड हटा देंगे इस मौसम में घूमने के लिए, तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो गाइस ये है हमारे न्यू राइडिंग गियर्स, ये है नी गार्ड और ये एल्बो गार्ड है, ये प्रो एक्स कंपनी है उसके हैं ये, और ये यही मैं आज लेके आया था। तो ये मुझे अराउंड 850 रुपीज़ के पड़े दोनों पेयर, मतलब ये नी गार्ड और एल्बो गार्ड दोनों 850 रुपीज़ के पड़े। और ये जो ग्लव्स है ना, राइडिंग ग्लव्स, ये मेरे पे पहले से ही हैं स्टड्स के, तो ये मैंने परचेज नहीं किए थे। तो ये मैं अभी आपको पहन के दिखा देता हूँ कैसे, मतलब बॉडी पे आने पहनने के बाद लगते हैं। तो गाइस अभी मैंने ये एल्बो गार्ड और नी गार्ड पहन लिए। इन एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड में ये वाला पार्ट, ये वाला, ये और ये मेटल का है, ऐसे ही नी गार्ड में ये और ये पार्ट मेटल का है, और बाकी ब्लैक पार्ट जो आपको दिख रहा है ये हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे बेलक्रो वाले स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, जो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करके चिपका सकते हैं। बाकी ये स्कर्ट्स के ग्लव्स मेरे पे पहले से ही थे, इसलिए मैंने ग्लव्स लिए नहीं थे, ये तो मेरे पे बहुत पहले से ही परचेज कर लिए थे। तो इनकी जो प्राइस मैंने पहले ही बताया, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इनकी जो प्राइस है वो 850 रुपीज़ है। तो जो इन एल्वो नी गार्ड्स की कॉस्टिंग है वो है अराउंड 850 रुपीज़। और जैसे वीडियो में आपको पहले भी शॉप भी दिखाई थी और भैया से भी मिलवाया था, उन्होंने एड्रेस बताया था, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मिल जाएगा शॉप का, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल है अगर आप राइडिंग करते हो तो, ये राइडिंग गियर्स में बेसिक है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेनी ही चाहिए, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। ये सारा तीनों चीज़ों का से मिला के मेरे को जो कॉस्टिंग आई है वो अराउंड 1350 रुपीज़ के अराउंड आई है, 1350 रुपये बस।
तो ये चीज आपको लेनी चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। और बाकी अब वेट है सिर्फ संडे का, संडे को हम पहली बार इन्हें पहन के राइड पे जाएंगे तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट है। अगर ग्रुप राइड होती है तो ठीक है, वरना हम खुद अकेले निकल जाएंगे कहीं राइड पे। और आपको ऐसे बने, मैं आपको ऐसे चैलेंज देता हूँ, इससे अपनी धरती के तोड़ के दिखाओ। तुम्हारा मुंह तोड़ देते हैं इससे, ऐसे मार मार के मुंह तोड़ देते हैं इससे करके। ठीक है, मैं ग्लव्स से, मैं रोक लूंगा ग्लव्स से। बाकी आज आपको वीडियो में क्लिप दिखाया था छोटा सा कि बारिश हो गई तो इसकी वजह से हमारी बाइक का काम रह गया है। अभी देखते हैं जाके, अगर अभी पॉसिबल हुआ तो अभी जाएंगे, वरना कल तो डेफिनेटली, कल या परसों डेफिनेटली उसका काम करवाएंगे। थोड़ा सा उस पर काम रह गया तो वो फिनिश कराएंगे। और गाइस आज जब मैं स्कूल से आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश, हम लोग, मेरे जो बैग में वाटरप्रूफ कवर भी है ना, वो भी नहीं टिक रहा बारिश में। बार बार नीचे सर के जा रहे, तो मैम ने बोला बैग का वाटरप्रूफ कवर हाथ में पकड़ लो। तो हम लोग जैसे भी करके, हमारी छुट्टी के एरिया में एक शेड है उसमें गए, और उसमें भी पानी आ रहा। फिर मम्मा आई, बिल्कुल भीगते हुए गाड़ी में गए, और गाड़ी में मिट्टी भी फैल गई और गीली भी हो गई है गाड़ी। I'm the one who's always sorry, the conclusion.